जैसा कि आप जानते हैं, धरती को हम धरती माँ कहकर पुकारते हैं, और एक नहीं बल्कि बहुत से गाने भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आपने ऐसे कौन से गाने सुने हैं जो धरती के ऊपर बेस्ड हो और कुदरत के ऊपर बेस्ड हो। अरे सर, हमारे बहुत ऐसी कमी है जिनका नाम है दुष्यंत बावरा। अरे क्या गजब का गीत लिखा था उन्होंने कि उस गीत को आज इतने मगर छोड़ गीत आज भी होता जाए। तो वो गीत ये मेरे देश की मेरे देश की धरती छोटा उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। जहाँ तक के धरती माँ का सवाल है तो मैंने एक बड़ा पिक्चर देखी थी पुरानी, उसमें हमारे सुपरस्टार हैं सोनी शेट्टी, तो उन्होंने डायलॉग बोला था धरती मेरी माँ है। उसके पीछे वो मिलेंट वाली पिक्चर थी, उसके पीछे लड़ भी लिए थे, जो बोला धरती मेरी माँ है वो सुना डायलॉग मैंने धरती के बारे में। सर वैसा धरती का सवाल है तो धरती तो अपनी माँ ही है, तो इसके उसमें मैं गाना गाना चाहता हूँ इस पे धरती पे ही। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, फिर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सर जहाँ तक की धरती की बात है तो हमारे हिंदी सिनेमा ने धरती के ऊपर सर सैकड़ों गाने लिखी, उसमें से एक गाना ये भी है, ओ मितवा मितवा तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी अपना नंबर है, अपना अंबर है। बहुत सारे गाने सर धरती। ठीक है सर, आज हम आपको एक गाना दिखाने वाले हैं। अच्छा। जिसका टाइटल है मदर अर्थ, यानी कि धरती माँ। इसके अंदर देखेंगे आपकी साउथ अमेरिका की कुछ अलग अलग देशों के उन्होंने वाद्य यंत्र बताए, यानी संगीत के यंत्र बताए जो काफी पुराने जमाने के हैं। अच्छा। और शायद आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। अच्छा। साथ में जो कुदरत के नजारे हैं वो भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आप उसे देखें सुने और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर तो दिखाइए सर। धरती का सवाल है तो कुछ अच्छे ही होगा मतलब। और एक चीज अच्छी लगी मुझे कि हमारे हिंदुस्तान में हम इसको धरती माँ बोलते हैं, अमेरिका वाले भी इसको यही बोलते हैं, मतलब बराबर मामले चल रहे हैं, समानता है सर इंसानों के बीच में। धरती के ऊपर गाना है और कुदरती नजारे दिखाएंगे तो सोने के ऊपर स्वागत है, तो एक तरीके देखा जाए कुदरती मनाजिर तो सर हर इंसान देखना चाहेगा, अपनी आंखों से देखना चाहेगा, जरूर जरूर देखा। अच्छा, दो कलाकार है, दो कलाकार आए इसे हाल में बताएंगे क्या पुराना घर दिख रहा है मेरे को, मुड़ी का दरवाजा। हाँ हाँ हाँ, ओह नज़ारा यार, अजब, वाह वाह, शुरुआत में छागा है, बड़ी प्यारी सांस लग रही शुरुआत में भैया मेरे को। जंगल के बीचों बीच खड़ा है, वाह क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यार। वहां की घास कुछ अलग है, बहुत बढ़िया। आहा, देख के दिल खुश हो गया है। ये तो शहर से जा रहा है यार, अभी ढूंढा गया। वहाँ भी मिट्टी के लिपे हुए घर होते थे यार, पार्ट भी अपने वहाँ के सरे के हैं लकड़ी के, लेके लगे हुए। दोनों तो पीछे खड़े, उनको याद आ रही कुछ ये अपना बचपन याद आ रहा है, अपने टाइप देख रहे हैं बचपन वो सब आया वक्त पे यार। बांसुरी यार, अपने आप को छोटी छोटी रहती है यार। क्या मजा रहा है यार, बाकी में भी बहुत प्यारी सांस है, क्या आवाज है जैसा अंदर तो कर रही। मजा आ गया।
खाने को भी ये धरती देती है, मरने के बाद इसी धरती में इंसान रहता है। सही बात की है, पूरा खुला यार। कुदरत मनाजिर बड़े प्यारे प्यारे थे यार, बड़े बड़े पहाड़ चमक से साफ पानी था, हरी हरी भरी हरियाली कितनी थी। सर वो जो धुंधी उसने तो सर झंझोड़ के रख दिया सर दिलों को। सर एक माँ होती जो हमें पैदा करती पूरे के धरती माँ। सर हम अपनी माँ का इतना ख्याल रखते हैं कि माँ को कुछ तकलीफ हो जाती है तो हम फौरन दौड़ की तरफ जाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, फिर समस्या दूर करते हैं। लेकिन सर मुझे एक बात का मलाल है कि धरती माँ का भी तो ख्याल रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाना है और उसको गंदा करना है, तो धरती माँ का ख्याल रखेगा कौन? हम
इंसानों को उसका ख्याल रखना। और एक स्वच्छता का संदेश देना चाहूंगा कि जितना हो सके गंदगी को कम करें, गंदगी को साफ सुथरे की तरफ ले जाएं, क्योंकि सर प्रदूषण भी हम फैला रहे हैं और इतनी गंदगी कर चुके हैं कि सर आज जो है कि जो मौसम बदल रहा है सर, उसने कौन कौन सी बीमारी जो है आज आ रही है उसके नतीजे में हमने खुद नहीं बनाया। सर मैंने देखे जो बजाने के यंत्र वो बहुत पुराने लग रहा है मुझे, बाकी वो लकड़ी के यंत्र है वो, बाकी जो है धरती माँ का जो संदेश दिया है इन्होंने बजा के उससे मेरा दिल खुश हो गया। जो कुदरती वीडियो के माध्यम से दृश्य देखे मैंने वो तो बस मन में छाया वाले दृश्य थे। वो जो वीडियो चलती जा रही थी संगीत तो मधुर था ही, वो पीछे कहानी भी बता दे रहा था कि पहला बच्चे थे तो ऐसे थे, पीछे पीछे बैकग्राउंड में नहीं वो भी बता दे रहा था। वो बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि पुरानी यादें तो हर एक को याद आती, वो फावड़े से मिट्टी को धरती माँ की मिट्टी को ऊपर चढ़ा रहे थे उनको वो दृश्य भी याद आ रहा था। वीडियो तो वाकई में बहुत जबरदस्ती थी और आवाज़ सुनकर तो किसका भी मन लग जाए उसमें डूबने का मन चाहेगा, आवाज़ सुनने जाऊँगा इतनी बढ़िया वीडियो लगी मैं। वीडियो देखी देखो बहुत अच्छा तो लगा, उसमें जो दो दो बच्चे है और जो धरती माँ का जो संदेश दिया है बाकी मैं तारीफ है और मैं राइन भाई की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जैसे हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं इसी तरह हमको धरती माँ का भी ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि यही वो धरती माँ है जो खाने को भी दे रही है, चीज़ों को भी दे रही है और मरने के बाद हमको वो भी यही धरती माँ देगी। इसलिए इस धरती माँ को अपनी माँ से समझ के जैसे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं इसी धरती माँ का भी ख्याल रखे और उसको साफ सुथरा बनेगा, यही मेरा आप लोगों से संदेश है। ये लोगों में आपको कहना चाहते हैं धरती माँ का जो संदेश दिया है उसके ऊपर मैं ये गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया, क्या बात कितनी बड़ी है गोद इसकी, कितना बड़ा है दिल इसका। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया, कितनी बड़ी है गोद इसकी, कितना बड़ा है दिल इसका। प्रणाम करो इस धरती को। क्या बात है बाबू भैया, आप मजा आ गया। अरे इधर हाथ मिला लो।